सब गाइस कैसे हो? सब लोग अच्छे तो होंगे, पता है सब लोग फ्री फायर खेलते तो सब बंदे अच्छे होंगे। आपका मेरे गेम क्रिएटर चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बेस्ट किलर सेटिंग्स। हाँ, आपने अच्छे से सुना, बेस्ट किलर सेटिंग्स। आपका किल अच्छा होने के लिए बेस्ट सेटिंग आपको चाहिए। आज मैं इस वीडियो में सेटिंग्स सिखाने वाला हूँ। चलो तो मैं आपको सेटिंग्स सिखा। देता हूँ तो पहले हम गए सेटिंग में। सेटिंग में फर्स्ट वाला ऑप्शन है बेसिक। बेसिक में होता है ग्राफिक, ग्राफिक में स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा। अगर आप 2G, 3G, 4G के अंदर वाला फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करना है स्मूथ या स्टैंडर्ड। अगर आप 4G के ऊपर यूज़ करते हैं तो आपके सेटिंग होनी चाहिए अल्ट्रा पे। अल्ट्रा पे बहुत बेस्ट ग्राफिक्स देता है। उसके बाद हार्ड परफॉर्मेंस। आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए आपको ब्राइटनेस क्लासिक पे रखना है और हाई FPS नॉर्मल पे रखना है। तो सेकेंड इज अ मिनीमैक्स। मिनीमैक्स नॉर्थ और रेटिंग। नॉर्थ और रेटिंग, नॉर्थ कैसा होता है, जब PUBG आप लोग कभी आपने PUBG गेम खेला होगा तो आपको आपका जो मिनीमैप है, आपका बंदा सीधे जाता है पर मैप में दिखाता है उल्टा भाग रहा है, ऐसा होता है। उसका प्रॉब्लम होता है कि मिनीमैप इसे नॉर्थ तक रखेंगे तो उसका प्रॉब्लम ये आता है, पर रोटी रखेंगे तो आपका बंदा सामने भाग रहा है तो फ्री फायर में भी आपका मेनी मैप में दिख जाएगा कि आप सामने भाग रहे हो। लेकिन ये सेंसिटिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम प्ले। आपका भागने का स्पीड वगैरह उस पर आपके कंट्रोल्स पे सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा जनरल सेटिंग इज 60, रेड डॉट 55, टू स्कोप 40, फोर स्कोप 35, AW स्कोप 30। ये मैंने मेरे लिए एक सेटिंग बनाई है। आप भी चेक करके देख लो आपको कैसा लगता है और आप कमेंट करो क्या बेस्ट सेंसिटिविटी हो सकता है। तो सेकेंड इज द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में एम पोजिशन सब बोलते हैं भाई डिफॉल्ट पे खेलो अच्छा है, फुल कंट्रोल खेलोगे तो इज अ हैकर के टाइप पे खेलोगे, बंदा सामने से आके ठोक जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता कि किधर से मार के क्या। ये फुल कंट्रोल का सेटिंग होता है। प्रिंसेस ऑन स्कोप का भी सब बोलते हैं कि भाई कैसा खेलोगे, मेरा तो खेलने को बैठा। मैं जब से मैंने ओपन किया है फ्री फायर तब से मैं प्रिंसेस ऑन स्कोप के खेल रहा हूँ। सब बंदे डिफॉल्ट पे खेलते, आपको जो अच्छा लगे वो खेलो, पर मेरा इस एडवाइज़र आप प्रिंसेस ऑन स्कोप पे खेलो। लेफ्ट फायर बटन ऑलवेज, लेफ्ट फायर बटन आप ऑलवेज करोगे तो वो लेफ्ट साइड से आपसे जो भागने की आपके जो भागने का स्पीड होता है स्पीड में भागते हो वो जो ऊपर वाला बटन है लेफ्ट साइड उसके बाजू में आ जाता है। कभी कभार फायरिंग टाइम पे वो दब जाता है, फायरिंग हो जाता है, भाग नहीं सकते। इससे अच्छा आप स्कोप होंगे, जब स्कोप चालू होगा वही फायर बटन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये बेस्ट है। सेकेंड इज क्विक वेपन। आपको अगर आपका हाथ ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, गन रोल करने में थोड़ा तकलीफ होता है तो आप रख सकते हैं क्विक वेपन स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर मेरा रिवर्स होगी तो मैं ऑफ ही रखता हूँ, क्विक वेपन दोनों पे ऑफ ही रखता हूँ। उसके बाद AW स्नाइपिंग आप नॉर्मल करोगे तो आपका आप स्कोप लगा शूट करोगे, शूट करने के बाद आपको कैसे लोड करने का फिर से स्कोप आता है, बंदा सामने से ठोकता है, आपको भागने का चांस नहीं मिलता क्योंकि वो उधर ही रुक जाता है। डायरेक्ट आपका ओपन करने का, शूट करने के टाइम स्कोप आता है, लोड करने का फिर से स्कोप आता है। तो बेस्ट एडवाइस है होल्ड पार्ट टू स्कोप कैसा, आपको शूट करने के टाइम स्कोप आएगा, लोड करने के टाइम बंद हो जाएगा, आप साइड में बैठ सकते हैं या साइड में जा सकते हैं, उधर खड़े नहीं रह सकते। सेकेंड इज द व्हीकल कंट्रोल 100 रहता है। जैसे कि आपका बंदा भागता है आपका लेफ्ट हैंड में जो कंट्रोल रहता है आपका भागने का वगैरह वो रहता है, वो होता है 100। 200 मतलब जब आप गाड़ी का गेम वगैरह खेलते हो तो आपके पास रहता है वो 200 रहता है। तो बेस्ट इज द 200। ऑटो पैसूट ऑन ही रखे अच्छा है। इन गेम टिप्स में डिफॉल्ट है, सिंपल डिफॉल्ट में कैसा रहता है कि ऊपर वाला जो अपना रेड जोन है क्या ब्लैक शॉट आ रही है तो आपको बता देता है कि रेंजर भागो इधर से, रेंजर सेफ जोन में जाके बैठ जाओ। तो ऊपर वो ज़्यादा अपना जो ऊपर फ्लैश होता रहता है कि भागो भागो करके, इज इट डिफॉल्ट। सिंपल में आपका राइट कॉर्नर पे आ जाएगा स्मॉल में लिख के इज अ डेंजर, तो आप उधर से सेफ जोन में जा सकते हैं ऐसा। सेकेंड इज अ डैमेज इंडिकेटर मैंने तो न्यू ही रखा है, आप देखो मेरा तो न्यू ही है। ऑटो स्विच गन वो भी मैंने ऑन ही रखा है। विजुअल इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट से बात करें तो क्लासिक डार्क और नोबल।
पहले क्लासिक के तहत हेडशॉट मारेंगे तो पूरा उसका खोपड़ी उड़ जाता है, वो देखता है ब्लड ब्लड दिखता है, वो क्लासिक में रहता है। डार्क में कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि उसको घोस्ट पकड़ लिया, हम उसको शूट करते तो लगता है उसको घोस्ट पकड़ लिया है और भूत जैसा चीज़ है, ऐसा लगता है। नो ब्लड में आपको शूट करेंगे, सिर्फ डैमेज कितना पड़ता है वो दिखता है, और डैमेज कितना पड़ता है वो दिखता है, और शूट करेंगे उसका हेडशॉट हो गया फिर भी उसका ब्लड नहीं दिखता। तो मेरे रिव्यूअर्स, आप नो ब्लड मतलब उसका खून नहीं निकलना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। सिर्फ मैंने तो नो ब्लड यूज़ किया, आप देख लो, आपको अच्छे से फाइटिंग करनी है, अच्छे से उसका किल करना है, तो आप नो ब्लड ही यूज़ करो बस। ऑटो पिकअप तो सब ऑटो पिकअप बंद कर दो। अभी आप मेरे को बोलोगे कि चार बंदे उतर रहे हैं और उधर ऑटो पिकअप बंद है, फटाक से गोली वगैरह कैसे गन कैसे स्विच करेंगे, तो आपका जो लास्ट वाला इसे ऑप्शन है ऑटो पिकअप स्पीड, वो डिफॉल्ट स्पीड से अगर पास करो, मतलब आप किक करेंगे फटाक से सामने वाला बंदे को ठोक देंगे, नहीं तो आप बाद में मेरे को बोलेंगे कि भाई तूने बोला था ऑटो पिकअप बंद करने के लिए, हमने बंद किया, सामने बंदा आके ठोक दिया, हमने गन उठाने का चांस भी नहीं मिला। तो आप जो ये लास्ट वाला है ऑटो पिकअप स्पीड, ऑटो पिकअप स्पीड वो फास्ट कर देंगे, तो आप उतरे, आपके साथ चार बंदे उतरे तो आप उसको पिक करते और आप उसको ठोक देते। साउंड्स, सेकंड इज साउंड्स, साउंड्स में म्यूजिक होता है, कानों में बजता रहता है म्यूजिक, फ्री फायर का म्यूजिक बजता रहता है, कभी कभार बंदा इरिटेट हो जाता है, कभी कभार उसको बंद करना चाहता है, अपना साउंड बंद कर देता है, उससे अच्छा आप म्यूजिक बंद कर दो। सर साउंड इफेक्ट, साउंड साइड में बंदा, अगर हम बैठे हैं और हमारे साइड से बंदा भाग के आ रहा है तो हमें अच्छे से सुनना चाहिए, इसके लिए आप म्यूजिक बंद कर दो, साउंड इफेक्ट्स 100 कर दो, बेस्ट है साउंड इफेक्ट 100 कर दो। वॉइस आपको जो अपने ग्रुप मेंबर से चैट करनी है, बातें करनी है, तो वॉइस आपके जिम्मेदारी, आपको जो चाहिए वैसा रखते हैं। अगर मैं तो फ्रेंड से बात नहीं करता, मैं तो स्कॉल में खुद से खेलता हूँ, तो वॉइस ही रखता हूँ। ऑर्डर में तो क्या रहता है, डायमंड मेंबरशिप फ्री रख रहा है, वो तो आपको पता ही है। बस ये था मेरा बेस्ट सेटिंग, आपको कैसा लगा कमेंट करो, जरूर कमेंट करो, आपको कैसा लगा, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप मेरे को बताओ, आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी रहता है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो गाइस लाइक तो जरूर, तो बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में बनाने के लिए, तो बाय गाइस।